हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मेंबरशिप टेस्ट देखेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी का मेंबरशिप मेंबरशिप टेस्ट। मेंबरशिप टेस्ट होता क्या है बेसिकली? देखिए, अगर एक कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स डिटरमाइन वाई दिया गया है, तो एक और फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया गया है जिसमें बहुत सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं आपके, तो पूछ रहा है कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी इस सेट के अंदर है कि नहीं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे कि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट के अंदर है कि नहीं? तो देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्स क्लोजर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक ना। एक्स क्लोजर की वैल्यू निकालने के बाद अगर अगर वाई आ गया, वाई आ गया, इसके थ्रू नहीं वाई आया, इसके थ्रू, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट के थ्रू अगर वाई आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट में है कि नहीं। देखो, तो कहने का मतलब है, इफ एक्स मस्ट डिटरमाइन वाई इन फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट, मींस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट के थ्रू अगर एक्स का क्लोजर निकालेंगे तो वाई डिटरमाइन होना चाहिए, ठीक ना। अगर वाई डिटरमाइन हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट के थ्रू, तो क्या बोलेंगे, वो उसके अंदर है, ठीक ना। इसका सिंपल सा मीनिंग यही था जो हमने पहले समझाया, कि अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया गया है तो पता करना है कि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी उसके अंदर है कि नहीं, मतलब उसके मतलब जो फंक्शनल डिपेंडेंसी टुकड़े टुकड़े में हो सकता है, तो क्या उसके अंदर है कि नहीं। तो इसके लिए आपका एक्स का क्लोजर निकालो, एक्स का क्लोजर डायरेक्टली, इससे एक्स का क्लोजर नहीं निकालना है, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट के थ्रू एक्स का क्लोजर निकालो। अगर वाई डिटरमाइन हो गया तो आप क्या बोलोगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट में है, ठीक ना। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए, क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, अगर आपके पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया गया है, ठीक ना, फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट दिया गया है, उसमें क्या है, ए बी डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइन डी, डी डिटरमाइन ई, ई डिटरमाइन एफ, देन एफ डिटरमाइन बी, ऐसे दिया गया है। और पूछ रहा है, तीन क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ए बी डिटरमाइन एफ, दूसरा ए सी डिटरमाइन बी, तीसरा बी सी डिटरमाइन ए। पूछ रहा है कि ए बी डिटरमाइन एफ इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का मेंबर है कि नहीं, ठीक ना। यही इसका है कि मतलब कोई आपका एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया रहेगा और पूछा है किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी का मेंबर है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, इसे करने के लिए देखिए, ए बी का क्लोजर निकालेंगे, ए बी का क्लोजर निकालेंगे। आप यहां से मत निकालना कि डायरेक्ट इसी को देख के बोल दिया कि बी क्लोजर नहीं आ पा रहा, ऐसे नहीं होता है। आप ए बी का क्लोजर इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट के थ्रू निकालोगे। ए बी का क्लोजर निकालो, क्या होगा, ए बी तो आएगा ही सबसे पहले, फिर ए बी से सी आ रहा है, सी से डी आ रहा है, डी से ई आ रहा है, ई से आपका एफ आ रहा है, एफ से आपका बी तो पहले हो ही गया है। मीन्स ए बी से आप एफ को डिटरमाइन कर ले रहे हो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट के थ्रू, इसका मतलब क्या बोलेंगे, ए आपका मेंबर है, जो ए आपका क्या बोलते हैं, ए आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का मेंबर है। देखिए, एसी का भी क्लोजर निकाल लेते हैं, एसी का क्लोजर, एसी तो आएगा ही सबसे पहले, फिर सी से आपका डी डिटरमाइन हो रहा है, डी से आपका ई हो रहा है, ई से आपका एफ, एफ से बी, ठीक ना। तो आप एसी से बी को डिटरमाइन कर लिया हो थ्रू दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट, इट मीन्स ए भी आपका इसका मेंबर है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, बी सी का अगर क्लोजर निकालेंगे तो बी सी तो है ही, फिर बी सी, सॉरी यहाँ लिख दिया था ना, देखिए यहाँ पे बी सी तो है ही, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से बी, लेकिन कहीं भी ए है इसमें, ए है नहीं है, मींस बी सी ए को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, मींस ए जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट में नहीं है, ठीक ना। तो आज हमें क्या देखा, मेंबरशिप सेट, काफी आसान है मेंबरशिप टेस्ट। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफी आसान है, जो अब पहले लग रहा होगा कि हमने पहले समझाया था काफी डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन आप एग्जांपल देखें एक बार आसानी से समझ गए होंगे। बेसिकली कोई भी अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी है, चेक करना है कि किसी सेट में है कि नहीं। किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखे होंगे, तो ये जो आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी है इसके अंदर है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेफ्ट वाले का क्लोजर निकालते हैं इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट के थ्रू, और चेक करते हैं कि उसमें वाई आ रहा है कि नहीं। अगर वाई डिटरमाइन हो गया तो बोलेंगे इसका क्या बोलते हैं मेंबर है, अगर डिटरमाइन नहीं हुआ तो बोलेंगे इसका मेंबर नहीं है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आपके पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है, फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट वन और फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट टू, तो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, या फिर कौन किसको कवर कर रहा है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
थैंक यू।